नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आरपीएससी के सीरीज में हम गत परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्विकली रिवीजन कर रहे हैं। ये हमारा क्विक रिवीजन टेस्ट सेशन है। तो आज के इस टेस्ट सेशन में हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2018 के पेपर का एक क्विकली है वो रिविजन करेंगे। वैसे इन सभी पेपरों का हमने पिछले लाइव सेशन में अच्छी तरीके से विश्लेषणात्मक रूप से डिस्कस है वो कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत। हंसराज जी गुर्जर, सुनील जी बिश्नोई, बीके पाठक, कमल कुमार जी, परमानंद जी सैनी, विकेश जी सैनी, आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों की सीरीज को। पहला प्रश्न है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में यह लिखा कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर से पगड़ी वाली बात है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजसमंद में स्थित है इसी के संदर्भ में अबुल फजल ने कहा था, और रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद की संज्ञा है वो दी थी। नेक्स्ट है, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था, यानी कि 25 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण का कौन सा चरण था, राजस्थान संघ यानी कि दूसरा चरण, और इसमें कौन सी रियासतें शामिल नहीं थी ये पूछा गया है। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा एक नंबर विकल्प है, दो नंबर है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, तीन नंबर है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। यहाँ पर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयपुर तीसरे चरण में शामिल हुआ था एकीकरण के, दूसरे चरण यानी राजस्थान संघ में ये नहीं था। तो विकल्प हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे, वीर फत्ता जी, वीर बिग्गा जी, वीर मल्लीनाथ जी या फिर वीर कल्ला जी। विकल्प चार हो जाएगा करेक्ट आंसर, वीर कल्ला जी राठौड़, यही चित्तौड़ के अकबर आक्रमण के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। संप सभा की स्थापना किसने की, मोतीलाल तेजावत, हरदेव जोशी, गोकुल भाई भट्ट, गोविंद गिरी। तो गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की थी, ऑप्शन नंबर चार है करेक्ट आंसर। आप बताइए कि मोतीलाल तेजावत ने किस आंदोलन का सूत्रपात किया था, शरीर का अंग और आभूषण दे रखे हैं, सिर, गला, कमर और पैर, यहाँ पर कौन से आभूषण है वो आपके पहने जाएंगे। तो यहाँ पर कणकती, रमझोल, हंसली और मेमद। तो इनकी बात करें तो सिर पर कौन सा है, मेमद है, ये सिर का आभूषण है। इसके अलावा गले की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा कणकती, रमझोल और हंसली, तो गले का ये हो जाएगा तीन नंबर। कमर में कणकती है और पैरों में रमझोल, पायजेब इत्यादि। तो विकल्प नंबर चार करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न, अकबर ने सर्वोच्च मनसब जिसे 7,000 मनसब दिया था किस राजपूत शासक को दिया था, राजा भारमल, मोटा राजा उदय सिंह, राजा मान सिंह, राजा भगवंत दास। कल के सेशन में हमने पढ़ा कि 7,000 मनसब और 6,000 का जात है वो मान सिंह को अकबर ने कब दिया था, और अब पूछा है किसने दिया, तो ये तो हमें पता ही है मान सिंह को दिया था। तो कब वाला प्रश्न है आपसे करता हूं दोबारा, आप कमेंट करके बताइए कि ये मनसब है ये अकबर ने मान सिंह को कब दिया था, कमेंट करके बताइए आप। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, उमा दे, रूपा दे, हंसाबाई और जोधाबाई। ये भी मैंने आपको क्विकली बताया था कल, उमा दे रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो कि किसकी पत्नी थी, राव मालदेव की, जोधपुर के शासक। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान के विभिन्न संप्रदाय जो शाखाएं हैं वो दे रखी है और इनके प्रवर्तक कौन है, उनको हमें सही से करेक्टली मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए, सिंहथल, रैण, खेड़ापा और शाहपुरा और संत रामचरण जी इत्यादि, ये जो प्रवर्तकों के नाम दे रखे हैं, तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर कौन सा करेक्ट होगा आप कमेंट करके बताइए। देखिए, सिंहथल है
ये आपकी संत हरि रामदास जी इस शाखा के प्रवर्तक हैं। रैण शाखा की बात करें, रैण जो नागौर में है, और इस शाखा के प्रवर्तक संत दरियाव जी खेड़ापा जोधपुर, इनके कौन हो जाएंगे? संत रामदास जी और शाहपुरा भीलवाड़ा में संत रामचरण जी है, जो रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा होगा करेक्ट आंसर? सिंहथल एक में दो, केवल और केवल दो में ही है, तो हमारा करेक्ट आंसर दो नंबर हो जाएगा विकल्प। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? हिंडोन सिटी, करौली, ब्यावर और चाकसू। तो बादशाह का प्रसिद्ध मेला आपका ब्यावर अजमेर में लगता है, विकल्प नंबर 3 है करेक्ट आंसर। और हाल ही के पेपर में पूछा था कि तिल पपड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये भी आपकी ब्यावर की ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है पुस्तक और लेखक। अमीर हट, अमीर महाकाव्य, कानड़ दे प्रबंध, पृथ्वीराज विजय। अमीर हट किसने लिखा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसी प्रकार के प्रश्न आपको बार बार परीक्षाओं में देखने को मिल रहे हैं। अमीर हट चंद्रशेखर। अमीर महाकाव्य की बात करें तो अमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी ने लिखा था, कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ और पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा था। तो एक में एक है, इसके बाद में दो है, तीन में चार है, तो ये तो होगा नहीं, चार नंबर वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सर, स्टेनो की कट ऑफ मार्क्स कब ओके? स्टेनो के कट ऑफ मार्क्स जो मैंने आपको गूगल फॉर्म आपके लिए डाला था, तो उसमें अभी तक लगभग 800 लोगों ने गूगल फॉर्म को भरा है। तो आपसे निवेदन है कि उस फॉर्म की लिंक अपने और साथियों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जितने ज्यादा एस्पिरेंट्स उन गूगल फॉर्म को सही से भरेंगे तो हम ज्यादा सटीकता से कट ऑफ की ओर पहुंच पाएंगे। तो इसलिए मैं एक दो दिन का वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है पुरातात्विक स्थल और जिले दे रखे हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? कालीबंगा चूरू में, तो यही हमारा सुमेलित नहीं है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, ना कि चूरू में। आहड़ उदयपुर, गणेश्वर सीकर और बेराट जयपुर में है। नेक्स्ट है छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है? गरबा, घुड़दा, वालर और चरी। तो घुड़दा नृत्य है, इसमें छिद्रित मटका होता है और अंदर दीपक जलते रहते हैं। ये आपके मारवाड़ जोधपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट है बिजोलिया किसान आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? छगन लाल चौपासनी वाला, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास और माणिक लाल वर्मा। एक नंबर विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा, छगन राज चौपासनी वाला ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट है कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? ये आपका हिस्ट्री से जुड़ा प्रश्न है, भारतीय इतिहास देख लेते हैं। सूरत अधिवेशन 1907, लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1929, हरिपुरा अधिवेशन 1938। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शंस नंबर 4, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में कांग्रेस ने क्या किया कि देसी राज्यों में भी स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? रूपमती, चारुमती, भानुमती, गुणवती। विकल्प दो हो जाएगा करेक्ट आंसर, चारुमती से राज सिंह ने विवाह कर लिया, जिससे औरंगजेब है वो क्रुद्ध हो गया था। नेक्स्ट है कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया? चौहान वंश, गुर्जर प्रतिहार, परमार और गहलोत वंश। दो नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, गुर्जर प्रतिहार वंश ने भाग लिया था। ठीक है, राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार, इन तीनों के मध्य त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया था। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था? महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, हाकिम खां सुर, मालदेव राठौड़। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया था कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया,
इसमें कौन कौन से, इसके अलावा भी बहुत सी मैंने आपको लंबी लिस्ट बताई थी जिससे संबंधित बार बार प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप अच्छी तरीके से इन चीजों को समझना चाहते हैं तो वो लाइव सेशन पिछले वाला हमारा जरूर देखिए। लगभग 40-42 वीडियोज हैं उनमें, उनमें प्रत्येक प्रश्नों का विश्लेषणात्मक रूप से हमने डिस्कस किया है। यहाँ पर हम क्विकली है वो रिविजन ही कर रहे हैं। तो महमूद लोधी ये था बिल्कुल 2 नंबर। अगर ऑप्शंस देखा जाए तो हसन खान मेवाती ये भी था। 3 नंबर है हाकिम खान सुर, ये नहीं था खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा के साथ में। हाकिम खान सुर ये किसके साथ में था, आप कमेंट करके बताइए जरा। मालदेव राठौड़ ये भी था, राव गांगा उस समय शासक था और मालदेव को भेजा गया था। नेक्स्ट है मंदिर और स्थान दे रखे हैं, आपको देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली राजसमंद में है, सुंदा माता का मंदिर भीनमाल जालौर में है, आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है, ज्वाला माता का मंदिर तलवाड़ा तलवाड़ा में, आपका त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, ज्वाला माता का मंदिर आपका कहाँ है, जोगनेर जयपुर में। ठीक है, चार हमारा जो कि सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है विक्रमी संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम यानी कि प्रारंभ से अंत तक जमाएं। गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी और गणगौर। तो इसमें देखिए आप, गणेश चतुर्थी सबसे पहले कौन सी आएगी, गणगौर। तो यहां पर एक में और 4 में दोनों में दे रखा है, आप कमेंट करके बताइए कि गणगौर पर्व है वो किस तिथि को आता है। उसके बाद में देखिए कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी आती है, तो ये गणगौर के बाद ही आती है। ठीक है, तो डी और उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, सी यानी कि विकल्प एक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर। नेक्स्ट है पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर बूंदी नाथद्वारा और जयपुर की। तो पिछवाई चित्रकला आपकी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, राजसमंद की। 2011 की जनगणना के अनुसार किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, दादरा तथा नगर हवेली, दमन और दीव। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, 2, पांडिचेरी। इनमें से पांडिचेरी का सबसे ज्यादा जनघनत्व है। बिड़ला सीमेंट वर्क्स कहाँ अवस्थित है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और निम्बाहेड़ा। तो ये आपका बिड़ला सीमेंट वर्क्स है, ये आपका चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है, विकल्प एक है करेक्ट आंसर। इसकी सीमा है गुजरात के साथ में नहीं मिल पाती है, बाकी सिरोही की मिलती है, डूंगरपुर की और बांसवाड़ा की। ठीक है, जालौर की भी मिलती है। तो 1, 2 और 4 यानी कि विकल्प 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोम एक सहायक नदी है, साबरमती, माही, बनास और लूनी। तो सोम, माही, जाखम इसका त्रिवेणी संगम भी प्रसिद्ध है, तो ये आपकी माही की सहायक नदी है। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम या मुख्य मुद्दा क्या था, वन उन्मूलन पर रोक, मैंग्रोव वन की संरक्षा, प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना, ओजोन बचाओ, विश्व बचाओ। तो यही था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। और 2020 में इसकी थीम क्या थी, आप कमेंट करके बताइए किस किस को पता है। नेक्स्ट प्रश्न है जलमहल झील, पांडुपोल जलप्रपात, लूणकरणसर झील और फतेह सागर झील। तो जलमहल यहां पर अगर देखा जाए तो पांडुपोल आप सभी को पता होगा कहाँ पर है, अलवर में है, बी में एक हो जाएगा और बी में एक केवल और केवल 1 नंबर विकल्प में है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलमहल जयपुर में, पांडुपोल जलप्रपात है ये आपका अलवर में है, लूणकरणसर बीकानेर, फतेह सागर उदयपुर हो जाएगी। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के एजोर द्वीप और क्यूराल द्वीप यानी कि ये कौन कौन से आपके महासागरों में अवस्थित हैं, एसआई के लिए, आरएस के लिए और पटवारी के लिए ये प्रश्न भी आपका महत्वपूर्ण है। देखिए चैलेंजर कटक ये आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर में पड़ता है, यहां पर 1 में 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट अगर बात करें तो अल्ट्रा बोर्ड यानी कि इसमें एक में तीन है तो कौन सा विकल्प सही होगा है। नेक्स्ट देखते हैं अल्ब्राट्रोस जो कॉर्डिलेरा है ये आपका दक्षिण प्रशांत महासागर में है। इसके बाद में तीन में चार तो विकल्प हमारा दो है, करेक्ट आंसर हो जाएगा एजोर द्वीप आपका उत्तर अटलांटिक महासागर और क्यूराल द्वीप है ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है, जोंडा बोरा मिस्टल और पेम्पेरो। तो ये कुछ एक प्रश्न है आपको ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम बीमा राशि है। तो एक तो आपको ध्यान में रखना है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना और एक है आपकी भामाशाह योजना। तो भामाशाह योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है, सी DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो हाल ही में पूछा भी गया था, लेकिन भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना है इसके अंतर्गत अधिकतम जो बीमा राशि है वो आपकी 3 लाख रुपए तक है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है 49.6, 52.1, 45.8, 41.3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 52.1%। ठीक है, 52.1% राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है। नेक्स्ट है सॉरी, इसमें आपका ग्रामीण महिला साक्षरता दर पूछा है तो विकल्प नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। ये तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में महिला की साक्षरता दर कितनी है तो आप बताएंगे 2 नंबर, लेकिन यहां पर ग्रामीण महिला साक्षरता दर पूछा है इसलिए आपका 3 नंबर आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें 2 नहीं है मित्रों, ध्यान रखना है क्योंकि ग्रामीण महिला साक्षरता दर पूछा है। सीधे तौर पर महिला साक्षरता दर पूछते तो आप 2 नंबर वाले करेक्ट कर सकते थे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के कौन से हैं, इनमें से उपादेव नेशनल चंबल। थोड़ी सी नेटवर्क में प्रॉब्लम लग रही है, आई थिंक अभी आप तक प्रॉपरली कन्वर्जेशन है वो पहुंच रहा होगा। तो देखिए कमल कुमार जी लिख रहे हैं, बस यही गलती हर बार होती है। हाँ बिल्कुल, इसी प्रकार की माइनर मिस्टेक की वजह से हम कुछ एक पॉइंटों में पीछे रह जाते हैं और एक एक नंबर पर हजारों की संख्या में सैकड़ों की संख्या में है वो कॉम्पिटिटर होते हैं। तो ये इन चीजों को हमें अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है और जिस प्रकार से हम ज्यादा इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे तभी हम इस प्रकार की गलतियों से है वो बच पाएंगे। तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार AW पूछा है तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। AW दक्षिणी प्रदेश है, ठीक है, उत्तर पूर्वी CW, पश्चिमी BSHW और उत्तरतम प्रदेश में आपका BWHW भी आता है और इसके अलावा ये आपका BSHW वाला भाग भी कुछ आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है वैज्ञानिकों को किस जिले से 4.7 करोड़ वर्ष पुराने, तो ये हाल ही की बात है यानी कि प्रश्न आपका जो पेपर है ये कब का है, 2018 का है, लेकिन ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है आपको ध्यान ही होना चाहिए अच्छी तरीके से। जीवाश्म पार्क है कहाँ पर है, ये आपका आकलवुड फॉसिल पार्क के नाम से जाना जाता है जैसलमेर में। तो यहीं पर 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म के अवशेष मिले हैं। प्रदेश का 18 में जयपुर में किया था। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के अकूत भंडार मिले हैं, ये वर्तमान में करंट की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि वर्तमान में भी ये काफी बर्निंग इश्यू है और इसमें आपकी खोजबीन भी चल रही है। ठीक है, तो देखिए 73rd में बीकानेर चूरू श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ इन जिलों में पोटाश के भंडार है वो मिले हैं। बीकानेर चूरू श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ ये आपकी वर्तमान परीक्षा प्रोस्पेक्टिव से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। भामाशाह टेक्नो हब रखे या ना रखे तो भी चलेगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने भंडार होने का अनुमान हाल ही में व्यक्त किया है। तो ऑप्शन एक हो जाएगा राजस्थान में अगर सोना कहीं पर मिलता है तो बांसवाड़ा में आनंदपुरा भूकिया विशेष तौर पर यहाँ पर सोना है वो प्राप्त होता है।
सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रथो निशानेबाजी तीरंदाजी विकल्प हमारा दो हो जाएगा तृतीय योजना यानी कि थर्ड फाइव ईयर प्लान में राष्ट्रीय जो आय है इसकी वृद्धि दर है वो सबसे कम रही है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रही है तो आप सभी से क्षमा चाहूंगा इसके लिए। कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, सभी को गुड नाइट। विनीता जी चौहान, विद्युत विभाग स्टेनो में जीके की करवाओ। विद्युत विभाग स्टेनो के लिए, जीके के लिए आप इस सेशन से डेली बेसिस पर अवश्य जुड़े रहें। इसके अलावा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जितने भी पेपरों का हमने विश्लेषणात्मक रूप से डिस्कस किया है उन वीडियोस को आप अवश्य देखना, वहां से आपका राजस्थान का जीएस अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और हाल ही में लाइब्रेरियन का भी आपका परिणाम है वो फाइनली रिजल्ट जारी हो गया है तो हमारे बहुत से विद्यार्थियों का उनमें भी फाइनली चयन हुआ है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद फाइनली रूप से सिलेक्टेड होने के लिए। और जिन मित्रों का लाइब्रेरियन परीक्षा में फाइनली रूप से सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी ज्यादा हताश निराश ना होवे, क्योंकि वैकेंसियां है वो सीमित होती हैं और लाखों की संख्या में है वो आवेदन होता है, हर किसी का चयन है वो इसमें नहीं हो पाता है। तो आप अपने आप को और अच्छी तरीके से बूस्ट करने का प्रयास करें, आपकी जो कमियां रह गई है उन कमियों को सुधार करने